एक्ट्रेस श्वेता तिवारी पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं। राजा चौधरी और श्वेता का साल 2007 में तलाक हो गया था। दोनों की एक बेटी पलक तिवारी है। पलक भी अक्सर अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब 13 सालों बाद राजा चौधरी की मुलाकात बेटी पलक से हुई और इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। राजा चौधरी ने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर बेटी पलक के साथ तस्वीरें शेयर की। इन्हें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, जिंदगी के पल। तो वही एंटरटेनमेंट वेबसाइट से बातचीत के दौरान राजा चौधरी ने बताया कि वो अपनी बेटी पलक से 13 सालों के बाद मिलने पर भावुक हो गए थे। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं डेली न्यूज। राजा चौधरी ने कहा कि जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तब वो बच्ची थी और अब वो बड़ी हो गई है। मैं उसके साथ व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट में रहता हूँ, लेकिन 13 सालों में एक भी बार उससे मिला नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने माता पिता के साथ मेरठ में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे मुंबई में कुछ काम था इसलिए मैंने पलक को कॉल किया। वो किसी फिल्म की रिहर्सल कर रही थी। उसने वक्त निकाला और मुझसे मिलने अंधेरी के एक होटल में आई। हम दोनों की मुलाकात 1.5 घंटे की रही। इसी तरह की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़, और डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए।